अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ईद आपकी बहुत ज़बरदस्त गुजरी होगी। सो मैं आज आपके साथ इस कोविड इस पेंडेमिक को मद्देनज़र रखते हुए एक इतनी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो जुड़े रहिए मेरी वीडियो के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे कि आप लोग ऑनलाइन यानी घर पर बैठे हुए, ठीक है जी, वर्क एट होम, आप घर पे बैठे हुए कैसे अपनी एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। सो मैं आज जिस फील्ड के बारे में, जिस प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने वाली हूँ वो है जी अमेज़ोन। किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। अमेज़ोन जो है बहुत बड़ी और वसी मार्केट प्लेस है, जहाँ पे आप बहुत सारी यानी दो तरीक़ों से अर्निंग कर सकते हो। एक तो विद इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और एक विदाउट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, दोनों तरीके। और उनमें फिर आगे कई तरीके मैं आपके साथ जो है वो शेयर करने वाली हूँ। सो मेक श्योर आपने एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना है। तो आज सबसे पहले मैं आपको थोड़ी इसकी हिस्ट्री बताती हूँ कि अमेज़ोन स्टार्ट कब हुआ जी। बेसिकली अमेज़ोन जो है वो 1994 में शुरू हुआ और उसके बाद दुनिया भर में ऑनलाइन मार्केट प्लेस, जितनी भी दुनिया भर में ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हैं उन पर जो है वो अमेज़ोन ने 344 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मजमूई मार्केट वैल्यू बनाई है। कोई एक कॉमर्स साइट इतनी रकम नहीं कमाती जितनी इस जो है वो वेबसाइट ने कमाई है, ई कॉमर्स साइट ने। 2017 में अमेज़ोन मार्केट प्लेस पर होने वाली फरोख्त का तखमीना मुतअद्दिद बहुत सारी जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स पर पैसा कमाता है, लेकिन अमेज़ोन बाकी सबसे बड़े और दलाइल के लिहाज से सबसे ज़्यादा वर्सटाइल ऑप्शन के तौर पर जो है वो आपको अपॉर्चुनिटीज़ देता है, ठीक है जी। चाहे आप मसनूआत और खिदमात से बेच रहे हों या इनकम पैदा कर रहे हों, ठीक है जी। अमेज़ोन का जो है वो जो भी आप सेलर कह लें इसको, और या जो है वो इस पर बाय करने वाला और इस पर सेल करने वाला, दोनों को का जो है वो इत्माद गैर मामूली जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 89 अमेरिकन सार्फिन है। और दूसरे ई कॉमर्स साइट के मुकाबले में अमेज़ोन से मसनूआत ख़रीदने का ज़्यादा इम्कान, यानी उनको ज़्यादातर जो है वो अमेज़ोन पे ट्रस्ट है, यानी एक ट्रस्टेबल ई कॉमर्स साइट है। और एक ऑनलाइन बाज़ार की ऐसे से अपना निस्बतन तवील तरीक़े में अमेज़ोन अपने सार्फिन के साथ इत्माद पैदा करने में काफ़ी अमेज़ोन ने जो है वो फतरी साबित की और अपना जो है वो एक मेयार बनाया। तो अगर आप मुस्तकबिल करीब में काबिल एतमाद तरीके से ऑनलाइन पैसा कमाने के लिए तलाश कर रहे हैं तो शायद आपके लिए अमेज़ोन के पास एक अच्छा जो है वो। अब जो है ये डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ टू मेक मनी ऑन अमेज़ोन, अमेज़ोन पे आप लोग किस तरीके से जो है वो पैसा कमा सकते हैं। सो नंबर वन जो मैं आपके साथ वे शेयर करने वाली हूँ, आप लोगों ने फिक्र नहीं करनी है अगर वीडियो लंबी भी हो जाए, लेकिन आपको इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे और अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आप ज़रूर पैसिव इनकम अपनी जनरेट कर सकते हैं। सो जो मैं सबसे पहले जो है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ वे मेक मनी का, तो वो है जी विदाउट इन्वेस्टमेंट। उसमें आपकी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आप जो है उससे बहुत अच्छा अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, अपनी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। वो है जी एफिलिएट मार्केटिंग। आपने बहुत सुना होगा अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग। तो बेसिकली आज मैं बताती हूँ होती क्या है, ठीक है जी। अगर आप ऑनलाइन यानी कोई भी आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपने अपनी ऑडियंस को इंगेज किया हुआ है, चाहे वो कोई वेबसाइट हो, चाहे वो कोई ब्लॉग हो, चाहे वो कोई लाइक इंस्टाग्राम यूट्यूब चैनल, कुछ भी हो सकता है जहाँ पर आपने बहुत सारे अपने जो है वो ऑडियंस को अपने साथ इंगेज किया हुआ है और आपकी अच्छी ऑडियंस है, तो आपने क्या करना है, आप किस तरीके से अमेज़ोन से फिर अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने अमेज़ोन को ओपन करना है और उस पर जो एफिलिएट जो आपको प्रोग्राम्स दे रहे हैं, हर प्रोडक्ट के नीचे ज़रूर लिखा होता है कि ये एफिलिएट के लिए भी अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे अप्लाई करें। उसके बाद वो आपको एक लिंक देंगे, वो आपने लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपका यूट्यूब चैनल है, अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है तो आप उसके बायो में, या आप जो है वो अपनी पोस्ट के साथ उसको लिंक कर सकते हैं। अगर आपका वेबसाइट है, आपका कोई ब्लॉग है, तो आप वहाँ पर वो लिंक जो है वो अटैच कर
कर सकते हैं। अगर आपकी ऑडियंस उस अटैच्ड लिंक को फॉलो करते हुए कुछ बाय करते हैं तो आपको एक उसका कमीशन मिलता है, ठीक है जी। आमतौर पर जो है वो ख़रीदारी का 4% से लेकर 10% के दरमियान जो है वो अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटर्स को मिलता है, ठीक है जी। अमेज़ॉन का यकीन करें इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना नाकाबिल यकीन हद तक आसान है और ये इंतहाई मुनाफा बख्श है, इंतहाई और बिल्कुल ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ। उसके बाद अगर मैं आपको इसकी थोड़ी सी वो और डिटेल बताऊँ तो आप जो है आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आपकी ऑलरेडी ऑडियंस है, ऑलरेडी आपके पास ऑडियंस है चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म के ज़रिए हो, तो आप उनको जो है वो उसके ज़रिए पैसिव इनकम अपनी मंथली जो है वो जनरेट कर सकते हैं। सो ये हो गया इन एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है जी। अब उसके बाद जी हम लोग बात करते हैं अपनी हैंडमेड आइटम्स को जो है वो आप लोग अमेज़ॉन पे सेल करके किस तरीके से पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। यानी अगर आपको लगता है कि आपको आपके पास कोई यानी काबिलियत है आपकी, आप मतलब किसी जगह पर बैठे और बैठे बैठे आपको ख्याल आया कि मैं ये ख़ुद आर्ट, यानी कुछ लोगों को आर्ट क्राफ्ट का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, कुछ लोगों को ज्वेलरी मेकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, कुछ लोगों को यानी किसी न किसी चीज़ में उनको एक्सपर्टीज़ होती है उनके पास, तो वो जो है वो अपनी हैंडमेड आइटम्स को जो है वो अमेज़ॉन पे जो है वो सेल अप करके अपनी बहुत ज़बरदस्त और बहुत प्रॉफिटेबल इनकम जनरेट कर सकते हैं। अमेज़ॉन पे आपको क्या करेगा, अमेज़ॉन आपको एक यूआरएल देगा, आपने क्या करना होगा अपने तमाम जो है वो जितने भी आपके पास सारिफिन हैं आपने उनको अपना लिंक देना होगा और उस लिंक पे जो है वो उस लिंक के ज़रिए लोगों को आपकी जो है वो लाइक एक शॉप को सर्च करना आसान हो जाएगा, वो वहाँ पर फिर उसके थ्रू आउट आपके साथ जो है वो आपकी परचेजिंग और सेलिंग वगैरह का काम कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद अमेज़ॉन जो है वो आपको कस्टम यूआरएल जो देगा उससे वो आप उसके लिए वो आपकी आपसे चार्जेस पे करेगा, लेकिन वो इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन 15% आपने उसकी रेफरल फ़ी अदा करनी है। और उसके बाद यहाँ पर की फ़ीचर्स मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो हैंडमेड आइटम्स हैं, यानी अगर आप कुछ समझते हैं कि हम लोग आर्टिस्ट हैं, हम लोग डिज़ाइनर्स हैं, यानी तो आप लोग अपने हाथ की तैयार करदा अशिया जो है वो आप लोग टी शर्ट्स, हुडीज़, बहुत सारी दूसरी अशिया को बेच सकते हैं जो आपको डिज़ाइन, जो आपके पास डिज़ाइन अवेलेबल है। सो आप लोग इस तरीके से वो अपनी प्रिंटिंग, शिपिंग, पैकेजिंग, क्योंकि सब कुछ वो फिर अमेज़ॉन के हैंड ओवर होता है तो फिर वो आपसे इसके चार्जेस लेता है। सो ये है जी इन्वेस्टमेंट के साथ वे कि आप किस तरीके से अपने अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं, किस तरीके से आप लोग जो है वो अमेज़ॉन पे हैंडमेड आइटम्स का जो है वो लाइक एक शॉप क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद वहाँ पर सेलिंग कर सकते हैं। सो ये मैंने आपके साथ दूसरा वे शेयर किया है। अब चलते हैं जी तीसरे, इसके अलावा इसमें जो हमारे पास थर्ड ऑप्शन है वो जी FBA, Amazon FBA। आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस, अगर YouTube पे Amazon को कभी सर्च किया है तो आपने बहुत सारी वीडियोस इस पे देखी होंगी। यानी FBA का मतलब है जी फुलफिलमेंट बाय Amazon। आप लोग किस तरीके से विदाउट शिपिंग, विदाउट आप लोगों को कस्टमर सपोर्ट और शिपिंग वगैरह की परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग उसके बगैर किस तरीके से अमेज़ॉन पे FBA प्रोग्राम को ज्वाइन करके आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। सो और उसके लिए बेसिकली आपने क्या करना है, आपने अमेज़ॉन के वेयर हाउस में अपनी आइटम्स, अपने जो भी आपके प्रोडक्ट हैं वहाँ पे वो भिजवाने होते हैं, बहुत ही जो है वो केयर के साथ आपने उसको डिलीवर करना होता है। उसके बाद आपने जो है आपने जो कुछ बेचना होता है वो फिर आप उसकी जो है महाना स्टोरेज फ़ीस भी पे करते हैं। सो उसके साथ साथ आप ये जो वे है ये आसान भी है और काफ़ी लोगों ने इसके बारे में जो है वो बिल्कुल अननोन सा है उनके लिए, सो ये मे बी उनके लिए थोड़ा टफ उनको लगे। सो अगर आप विद इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर आप लोग जो है वो अपनी एक शॉप क्रिएट करें और उस पर जो है वो आप लोग अपना ब्रांड जो है वो बनाएं। और अगर आप लोग विदाउट इन्वेस्टमेंट आप लोग कुछ करना चाहते हैं तो एफिलिएट मार्केटिंग इज़ द बेस्टेस्ट ऑप्शन। उसके बाद अगर हम बात करें तो आप कैसे अपनी सर्विसेज सेल करके जो है वो अमेज़ॉन से पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, सो ये आप लोग के लिए विदाउट इन्वेस्टमेंट में है। जो लोग इन्वेस्टमेंट जिनके पास नहीं है, जो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, तो वो लोग इस पर ज़रूर फोकस कीजिएगा।
आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी, कोई आपने प्रोडक्ट सेल नहीं करनी, कोई आपने, लेकिन आपने क्या करना है, ये जो वे आपको बताने जा रही हूँ ना, आप इससे बहुत अच्छी आमदनी हासिल कर सकते हैं, बहुत अच्छी। कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके पास कोई सर्विस है देने के लिए, यानी आप किसी को अपनी सर्विस ऑफ़र करते हैं, यानी आप लोग कहते हैं जी हम, मैं आपके जो है वो अमेज़ोन के स्टोर्स को, किसी के स्टोर को चला सकते हैं, या मैं आपको जो है वो से डीलिंग में, या आपको परचेजिंग सेलिंग में, यानी किसी भी, कोई भी अपनी सर्विस सेल करके इसको आप लोग वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विस दे के आप लोग जो है वो अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। आप लोग उनके स्टोर्स को यानी देख के, उनको हेल्प आउट करके और उनको सर्च आउट करके और उनको अपनी ऑफर सर्विस ऑफ़र कर सकते हो, और उसके बाद आप लोग जो है वो उससे उनके साथ अटैच होके अच्छी अर्निंग कर सकते हो। सो मैं बेसिकली आपको कोई ज़रूरत नहीं होती इसके लिए कोई बहुत बड़ा अच्छा खासा रेवेन्यू आप लोग पहले इन्वेस्ट करें और उसके बाद जो है वो आप लोग अर्न करें। सो आप लोगों ने क्या करना है, बेसिकली अपनी सर्विस आपने सेल करनी है, आपने अमेज़ोन के जो है वो तलाश करने हैं एडवर्टाइजर्स, जो भी अमेज़ोन पे जिनके स्टोर्स हैं आपने उनके साथ रीच आपने उनको करना है, आपने उनके साथ कॉन्टेक्ट करना है, आपने हद तुल इम्कान कोशिश कर देनी है आपने उनके साथ रब्ता करने की। उसके बाद आपने किसी भी वेबसाइट पे, किसी भी, सिंपली आपको बताऊँ, आप फाइवर, अपवर्क, guru.com, freelancer.com, आप इन पर जाकर अपनी अमेज़ोन की वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब ऑफ़र को जो है वो सर्विस को ऑफ़र कर सकते हैं। सो आप इससे भी बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको, अगर इस पर आप लोग डिटेल वीडियोस, इस पर बहुत सारे वेज हैं जो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी आपके साथ शेयर करूंगी। अभी मैंने बहुत कम वेज शेयर किए हैं क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। सो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और अगर आपको एक पॉइंट भी समझ आया ना आपने, तो आपने इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। ये आपने मुझे थोड़ा सा अपना फीडबैक ज़रूर देना है, और उसके बाद आपने मेरे वीडियो को भी सपोर्ट करना है, और मैं आपके साथ इस तरीके के और बहुत सारे वेज आपके साथ अमेज़ॉन से जुड़े हुए आपके साथ शेयर करती रहूँगी। सो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ, ताकि जब भी मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि आपने अपना कैसे ब्रांड बिल्डअप करके आप अपने अमेज़ॉन से जो है वो अर्निंग कर सकते हैं, आप किस तरीके से जो है वो होल सेलर बन के अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं, आप किस तरीके से जो है वो अमेज़ॉन ट्रेड इन प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, अमेज़ॉन इन्फ्लुएंसर्स के साथ किस तरीके से, ये सारे प्रोग्राम्स मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। और आप लोगों को जो है वो आप लोग अपना काम स्टार्ट करें इस कोविड में, इस पेंडेमिक में जब हर कारोबार बंद हैं, तो आप अपनी सर्विसेज, आपके पास कोई स्किल नहीं है, यूट्यूब भरा पड़ा है वीडियो से, इतने इतने बड़े यूट्यूबर्स हैं, उनकी वीडियोज़, उनकी प्ले लिस्ट को देखें, उनसे सीखें। अगर आपको बकायदा किसी टीचर की ज़रूरत है, तो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, अपने आउट ऑफ जो है वो कंट्री, किसी भी कंट्री से हैं, तो आप लोग अपने जो है ऑनलाइन कोई टीचर, अपना जो भरोसे वाला ट्रस्टेबल टीचर तलाश करें, और उससे जो है वो उसकी गाइडेंस में वो आपको जो है वो थोड़ा तराशेगा, और उसके बाद आपको इस काबिल बना देगा कि आप अच्छी पैसिव इनकम जनरेट कर सकें अपने घर में, अपने एसी में, अपने गर्मी के माहौल में, अपने घर के फैमिली के साथ बैठे हुए आप जो है वर्कआउट करके अपना जो है वो अच्छा रोजगार हासिल कर सकें। सो मेक श्योर लाइक दिस वीडियो।